अरे जादू कहाँ रह गया यार? अरे वो आ गया। कहाँ था? अरे यार मैं सो गया था, अभी भी मुझे नींद आ रही है बहुत तेज। अरे यार मुझे एक बात याद आई, आज जब मैं मैथ्स वॉशरूम में गई थी तो ना राकेश सर और सुषमा मैम बाथरूम में घुसे हुए थे। वो राकेश अभी तक मेरी सुषमा मैम के पीछे पड़ा हुआ है, मुझे तो उस पर कभी से शक था। अबे राकेश ने इसको कुत्ता बना बना के भाग भाग के मारा है। मैं कम थोड़ी हूँ, उसकी गाड़ी का पंचर करके आ गया था, धक्का लगा रहा था गाड़ी को ऐसे करके। यार भूख लग रही है, चलो ना बुगली की दुकान से कुछ खाते हैं। चलो। अरे नैन्सी तू वहाँ क्यों खड़ी है, आ ना। नहीं यार मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। अरे भूख भूख का बहाना लगाती है, इसके पैसे नहीं है इसलिए नहीं आती कभी भी हमारे साथ। भाई मैंने तो ये भी सुना है इसके घर वाले इसको कोई पॉकेट मनी नहीं देते, बेचारी। पिएगी पिएगी? अरे तूने कभी पिया भी नहीं होगा, ये मैं रोज पीता हूँ रोज। चुप हो जाओ तुम सब। नैन्सी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तू खाए मैं खाऊं एक ही तो बात है, ये तेरा और ये मेरा। कोई बात नहीं, 3 दिन की स्कूल की छुट्टी है ना, 3 दिन में मम्मी से पैसे मांग के लेके आऊंगी और 10,000 मांगूंगी, तब जाके मम्मी 5,000 देगी और फिर 4,000 का मेरा खर्चा और 1,000 की हर महीने नई ड्रेस ले लिया करूंगी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? ये जरूर गोपी रही होगी, इस गोपी की तो मम्मी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओ, 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 यार मम्मी मेरे को पॉकेट मनी चाहिए। ओ, 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 क्या कर रही हो? ओ, क्या साफ कर साफ मम्मी? अरे छोड़ो यार मम्मी, मम्मी मेरे को 10,000 रुपए पॉकेट मनी चाहिए, सब बच्चों को मिलती है। वो क्या बोली? 10,000? इधर आओ तुझे दूँ मैं 10,000। 10,000 चाहिए इसको, चलिए यहाँ से। मम्मी मेरे सारे दोस्तों को पता है 1,000 दो, मेरे मतलब 15,000-20,000 रुपए मिलते हैं पॉकेट मनी और आप मेरे को 10,000 रुपए नहीं दे सकती हो। ऐसी कौन सी फ्रेंड है तेरी? वो है ना काम्या है और सुषमा है, हाँ इनको मिलती है मम्मी। ऐसा है, चलिए यहाँ से, खाने के खुदी लाले पड़े, इसको मैडम को 10,000 चाहिए। मम्मी नहीं दोगी? नहीं, पक्का नहीं दोगी? हाँ। सोच लो। सोच लिया। नहीं दूंगी, जा यहाँ से, पसीने आ रखे हैं, बदबू आ रही है, जा जाके कपड़े बदल। मुझे पहले ही पता था गोपी ही है। मम्मी पॉकेट मनी, एक बार मना किया ना नहीं मिलेगी पॉकेट मनी, समझ में नहीं आता, मेरा दिमाग मत खा, ये ले खाना खा। नहीं खाना मुझे खाना। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ओ नैन्सी है? हाँ बेटा घर पे ही है वो। नैन्सी तेरी दोस्त आई है? अरे हाय काम्या। यार मुझे इंग्लिश की नोटबुक चाहिए, मेरा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, प्लीज दे दे। अच्छा मतलब तू मेरा होमवर्क टेपेगी? हाँ ठीक है ला रही हूँ, जल्दी लाइयो। तो ये है काम्या, अभी पूछती हूँ उसकी पॉकेट मनी कितनी है। बेटा आपकी पॉकेट मनी कितनी है? आंटी 1,2। काम्या ये रही कॉपी, टेप लियो सारा टेप लियो ठीक है। मम्मी आपको बताया था मैंने 15,000, क्यों बार बार पूछती रहती हो? हाँ आंटी 1 और 5 15,000 हुए ना, हाँ 15,000 मिलती मुझे। चल ठीक है बाद में मिलते हैं स्कूल में। बाय 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 बाय। ठीक है जा। यार मम्मी तो मान ही नहीं रही है, अगर मम्मी नहीं मानी पॉकेट मनी देने के लिए तो वो लोग मेरी रोज बेइज्जती करते रहेंगे, क्या करूं।
हाँ आइडिया। मम्मी जल्दी आओ, मर रही हूँ मैं। मम्मी क्या हुआ तेरे को? अभी तक तो अच्छी खासी थी तू। मम्मी ठंड लग रही है बहुत, पता नहीं क्या हो गया। बुखार कैसे हो गया तेरे को? मम्मी मुझे क्या पता क्यों हो गया बुखार। ये सब ना तेरी जिद के कारण हुआ है। और कर ले जिद, खाना वाना छोड़ के बैठी हुई है। चल उठ, मैं दवा लेके आती हूँ। प्याज ने तो अपना काम कर दिया, अब मेरा काम शुरू होता है। अब देखो मेरी एक्टिंग। ये ले दवा खा ले। मुझे नहीं खानी कुछ दवाई वाई। ये सब ना तेरी जिद की वजह से हो रहा है, तभी बीमार पड़ी है तू। तो मम्मी जिद तो आप भी कर रही हो ना, दे नहीं सकते मुझे पॉकेट मनी? नहीं मिलेगी कोई पॉकेट मनी। ठीक है फिर, मुझे भी नहीं खानी कोई दवाई वाई, मरूंगी मैं ऐसी। 10,000 नहीं है मेरे पास। तो फिर कितने हो पाएंगे? मैं 5,000 ही दे पाऊंगी। कुछ मेरे पास सेविंग्स है और कुछ तेरे पापा से ले लूंगी मैं। ठीक है मम्मी, 5,000 में काम चला लूंगी। अब घर की सिचुएशन भी तो समझती हूँ ना मैं। अच्छा दिख रहा है कितने अच्छे से समझती है तू। ये ले दवा खा लियो। ठीक है मम्मी खा लूंगी। और हाँ, कल स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तेरी मैम को बोल दूंगी कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है? अरे नहीं नहीं मम्मी, स्कूल की छुट्टी क्यों करवानी है, इतनी सारी पढ़ाई रह जाएगी, मेरी छुट्टी नहीं कर सकती मैं। तू ही कह रही ना तू मर रही है, तबीयत ठीक नहीं है। अरे मम्मी आपने दवाई दे तो दी, और आप हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, ऐसे कैसे मर जाऊंगी मैं। स्कूल चली जाऊंगी मैं, चिंता मत करो। नौटंकी करवा लो बस। अबे ओ पोज मार के क्या खड़ी है, तेरी फोटो खींच रही हैं। शांति से स्कूल चल, लेट हो रहे हैं। एक मिनट, आज कोई भी स्कूल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारी बहन पार्टी देगी, पार्टी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मुझे तो लग रहा है रास्ते में इसने कहीं भंडारा देख लिया, क्योंकि पॉकेट मनी तो इसके घर वाले इसको देते नहीं है, तो इसने सोचा आज अच्छा मौका है, इनको पार्टी दे देती हूँ प्रिया भंडारा खिला के। भाई भंडारे में खाना नहीं खाऊंगा यार। अच्छा बेटा अच्छा, एक मिनट रुको, तुम रुको जरा। अरे नैन्सी, मैंने तेरे को एक चीज बताई, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। देख बहन, मैंने तो तेरे नाम का चिप्स भी खाया था ना, इन लोगों के चिप्स में से निकाल के। हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे ना भाई। हाँ बिल्कुल मजाक कर रहे थे। नैन्सी मैं तो तेरी क्लासमेट हूँ ना, मैंने तेरा 10 दिन तक होमवर्क कर दूंगी। तो तुम लोग क्या कह रहे थे कि मेरी मम्मी पॉकेट मनी नहीं देती? अबे गरीबो, तुम्हारी मम्मी तो 1,000-2,000 रुपए देती होगी, मेरी मम्मी ने पूरे 5,000 रुपए दिए, पूरे 5,000 रुपए। ये देखो नैन्सी हमारी दोस्त है, हमें मना थोड़ी करेगी। बड़ा तेज हो रहा है। वैसे मेरी राशि में आज लिखा हुआ था कि आज मुझे गरीबों को दान देना है, तो कोई नहीं, तुम गरीबों को भी थोड़ा बहुत खिलाई दूंगी। हम भी तो गरीब हैं। अब आए लाइन पे, follow me।